नमस्कार, गुड इवनिंग भावी अध्यापकों अध्यापिकाओं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवा आप सभी का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं कि आपका प्रस्तावना कौशल कैसे बनाया जाता है और बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो आज का आपका कौशल साथियों रहने वाला है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में आपका रहने वाला है कि प्रस्तावना कौशल। तो उसके लिए आप देख लीजिए, सबसे पहले आपके सामने दिखाई दे रहा होगा साथियों कि आपका कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल और विषय का नाम है आपका सामाजिक विज्ञान, और उपविषय में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो भूगोल। अगर आपके उपविषय का कॉलम नहीं है तो आप विषय में भूगोल लिख सकते हो। उसके बाद में आपका कक्षा, जिस कक्षा के लिए आप बनाना चाहते हो वो यहाँ पर आपकी कक्षा लिख देनी है। उसके बाद में दिनांक, जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो यहाँ पर आपकी दिनांक लिख देनी है, और क्लास, जिस समय आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसमें जो आपका पीरियड चल रहा है वो यहाँ पर क्लास लिख देना है। उसके बाद में समय अवधि, इसमें आपको 5 से 7 मिनट ही लिखनी होती है। आदर्श जो आपकी समय अवधि होती है वो 5 से 7 मिनट ही होती है। उसके बाद में वर्ग, जिस वर्ग में आप हो वो यहाँ पर वर्ग लिख लेना है, जिस तरह से हमने लिख दिया है। उसके बाद में है कि आप प्रस्तावना कौशल में आप किस तरह से आप इसके कौशल निकालोगे, प्रश्न कैसे निकालोगे, और आज का आपका जो प्रकरण रहने वाला है साथी वो आपका वन रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर है कि आपका शिक्षण बिंदु, जहाँ पर आपने सही देखा साथियों, जो आपका शिक्षण बिंदु है वो आपका क्या होगा, जो आपका प्रकरण होता है वही आपका क्या हो जाएगा, शिक्षण बिंदु। तो प्रकरण आपका क्या था, वन, तो यहीं पर आपका जो शिक्षण बिंदु है वो भी आपका क्या हो जाएगा साथियों, वो भी आपका हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए साथियों, यहाँ पर आपका छात्राध्यापक क्रिया, छात्राध्यापक क्रिया में आपको क्या करना है, छात्राध्यापक क्रिया में जो आप बच्चों से प्रश्न पूछने वाले हो वो यहाँ पर प्रश्न लिख देने हैं, और जो विद्यार्थी सही से आंसर देंगे वो यहाँ पर आंसर लिख देने हैं। अगर एक से अधिक भी आंसर प्राप्त होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लिख देने हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में सबसे पहला प्रश्न है कि बच्चों हम किस महाद्वीप में रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप के किस देश में रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों भारत। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अधिकांशतः जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाँव में। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाँव में अधिकतर लोग भोजन किससे बनाते हैं, तो किससे बनाते हैं साथियों, इसका सही हो जाएगा कि लकड़ी से बनाते हैं, जैसे चूल्हे पर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए कि लकड़ी अधिकतर कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये कहाँ से प्राप्त होती है, वन से प्राप्त होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है आपका संशयात्मक प्रश्न कि वन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये आपका क्या बन गया साथियों, संशयात्मक प्रश्न बन गया। इसी से आपका प्रकरण कौन सा निकल गया, वन आपका प्रकरण निकल गया। तो इसके बाद में आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में उद्देश्य कथन बोलना है, तो उसमें आप बोलोगे, अच्छा बच्चों, आज हम वन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये बोलते ही आपको जहाँ पर आपको प्रकरण आपने प्रस्तावना क्वेश्चन में खाली छोड़ा था, इस प्रकरण को वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है और इसको अंडरलाइन कर देनी है अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आपको किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देनी है क्लासरूम में, तो उसके लिए भी हमारे इसी चैनल पर साथियों ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वो वहां पर आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद में आपके आ गए घटक साथियों, घटक में सबसे पहला आपका घटक है कि प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, जो आपके पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित आपके सभी प्रश्न है वो होने चाहिए। उसके बाद में जो आपके प्रश्न है वो मूल पाठ पर आधारित होने चाहिए साथियों। उसके बाद प्रश्नों में आपकी तारतम्यता होनी चाहिए, जो आपका पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न का जो आपका उत्तर प्राप्त है उसी से आपको दूसरे प्रश्न स्टार्ट करना है, जो आपका दूसरे प्रश्न का जो उत्तर प्राप्त है उसी से आपको तीसरा प्रश्न स्टार्ट करना है। ये आपकी क्या होती है साथियों, तारतम्यता होती है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में व्याकरणिक शुद्धता भी होनी चाहिए, वो त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है साथियों। उसके बाद में है कि जो आपने दृश्य और सर्वे सामग्री का प्रयोग किया है वो उचित किया है या अनुचित किया है, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में समय अवधि आपकी मैंने अभी बताया था साथियों 5 से 7 मिनट होती है, तो 5 से 7 मिनट में ही आपको अपना सुपड़ा साफ करना होगा प्रस्तावना कौशल का, इसे न तो कम में कर सकते हो न ज़्यादा में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है कि
प्रश्नों का छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए। साथियों ये नहीं हो कि आप कक्षा 5 के लिए आप प्रस्तावना कौशल बना रहे हो और कक्षा 11 का आप क्या है वहां पर प्रश्न लेकर चले जा रहे हो, तो वो क्या मामला सही बैठेगा क्या साथियों? नहीं बैठेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका प्रवेशक है वो यहाँ पर आपकी जिस तरह से आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर बता दिया जाएगा। तो इसी तरह के और इंटरेक्टिव प्रश्न पाने के लिए चिल्ड मस्त होकर राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपसे फिर मिलेंगे नए और इंटरेक्टिव प्रकरण पर। तब तक बने रहिए, टिके रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।